was wonderful, encouraging word that brother Joseph, sorry, brother George has shared with us. और एक प्रोत्साहन भरा वचन जो भाई जॉर्ज ने हमारे बीच में बांटा, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। When I was thinking about faith in Christ like a precious diamond that brother was talking about, the costliest thing on this earth is that Kohinoor diamond. और जैसे कि भाई बता रहे थे उस कोहिनूर हीरे के विषय में, जो सबसे ज्यादा कीमती माना जाता है इस संसार में, हमारे विश्वास का प्रतिरूप। There's a history of that Kohinoor diamond for past 1000 years, which I was just hearing about somewhere. और मैंने लगभग यह 1000 वर्ष पुरानी यह एक बात है, घटना है, जिसके विषय में मैंने कहानी में पढ़ा था। Many of the ancient rulers and kings wanted to acquire that. They will fight wars with one kingdom against another. Whoever owns that diamond, that enemy kingdom would want to defeat that kingdom and take possession of that diamond. और पुराने समय में जितने भी बड़े बड़े महान राजा और शासक हुए थे, वे आपस में लड़ते झगड़ते थे कि जिस किसी भी राजा का शासक के पास में वह कोहिनूर हीरा होता तो उस पर हमला किया जाता और उससे वह उसे उस पर जय पाकर वह हीरा पा लिया जाता था। And see, they would fight wars just to own that. They wanted to go with all the 10,000 troops and go for the battle and defeat the king who had that diamond, then possess it, then this person would have it, this king would have it, then some other king would come after some time, he would get attacked and take possession of that. Like that diamond possession was passed on. Ultimately now it's in England. और हम देखते हैं कि वह राजा जो था, वह उस केवल उस एक कोहिनूर हीरे को पाने के लिए अपने पूरी 10,000 की सेना से वह लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए चला जाता और युद्ध जीत कर वह हीरे को लेकर आता, और कोई दूसरा राजा उस हीरे को पाने के लिए उस पर आक्रमण करता, और ऐसे वह हम देखते हैं उस हीरे का जो मालकाना हक होता है वह ऐसे बदलता गया और आज वह हीरा इंग्लैंड में है। एंड ऑल्सो द हिस्ट्री सेज दैट द डायमंड व्हिच एवर किंग हैड दैट ओनली ब्लडशेड वाज फॉलोइंग इन हिज हाउसहोल्ड। हम देखते हैं कि वह हीरा ऐसा था कि जिस किसी राजा के पास में वह हीरा होता था उसके घर में केवल लहू ही बहता था। आफ्टर दैट इज वर्थलेस, इवन इफ यू हैव द एक्सपेंसिव डायमंड इट्स यूजलेस। हिस्ट्री टेल्स अस दैट यू जस्ट हैव टेंशन्स एंड वरीज एंड समथिंग इविल। आप देखें कि जिस किसी के पास वह संसार में जो सबसे ज्यादा कीमती माना जाने वाला हीरा होता था वह खुश नहीं रहता, परंतु उसके ऊपर विपत्ति और संकट और हमेशा भय छाया रहता था। What is precious that was coming to my mind was in 1 Peter chapter 1 talks about gold. We can it's equivalent to something precious in what in spiritual realm, what is precious to us? What Peter is saying in 1 Peter 1 verse 7. और एक बात जो वचन के द्वारा मेरे पास पहुंचती है कि हमारे जीवन के लिए क्या वह बात है जो मूल्यवान रखती, इतनी कीमती होती है, जहां पर पहला पत्रस पहला अध्याय वचन कहता है वह सोने से उसकी तुलना करता है। या ऑल दीस पर्सिक्यूशंस दैट वर कमिंग अगेंस्ट दिस दीस क्रिश्चियंस ओवर देयर, पीटर वाज एनकरेजिंग देम इन वर्स 7, यू विल बी डिस्ट्रेस्ड इन वेरियस ट्रायल्स एंड डिस्ट्रेसेस, सो दैट वर्स 7, प्रूफ ऑफ योर फेथ बीइंग मोर प्रेशियस देन गोल्ड which is perishable, even though tested by fire, may be found to result in the praise and the glory and the honor and the revelation of Jesus Christ. और वचन 7 में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, पहला पत्रस पहला अध्याय, और यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। So what is precious in God's eyes? तो परमेश्वर की दृष्टि में सबसे ज्यादा मूल्यवान क्या है? The proof of your faith. आपके विश्वास का प्रमाण, नॉट योर फेथ, द प्रूफ ऑफ योर फेथ। वी कैन से दैट वी आर क्रिश्चियंस एंड वी कैन कम टू चर्च रेगुलरली एंड टेस्टिफाई और शेयर व्हाटएवर, व्हाट इज द प्रूफ? यू हैव टू प्रूफ, इफ यू गिव प्रूफ ऑफ योर कमिंग टू चर्च और टेकिंग अ स्टैंड, योर क्लेमिंग टू बी अ क्रिश्चियन, देयर इज सम समथिंग दैट वी हैव टू पे, इट्स नॉट चीप। और यह केवल आपका विश्वास यहाँ पर नहीं कहा गया, यहाँ पर लिखा है कि आपका परखा हुआ विश्वास, जहां पर आप सारे उस परिस्थितियों में और संकटों से बीच से होकर निकलते हैं, जहां पर आप मूल्य चुकाते हुए आगे आते हैं, वह परखा हुआ विश्वास जो सबसे ज्यादा कीमती बहुमूल्य होता है। So, to stand up for Christ, we will be persecuted in our office, in our school, in our friend circles, wherever we go. और यदि But that will prove that's what Lord is looking, that's what the holy angels are watching, and that's what is going to be valuable in God's kingdom, just like that Kohinoor diamond. Our faith, a proof, testing of our faith is going to be valuable there.
और यदि आप आपका विश्वास परखा जाता है, आप प्रभु के लिए खड़े रहते हैं, तो हर एक परिस्थितियों में आप जहां पर दफ्तर में काम करते हैं, ऑफिस में, वहां पर आपके साथ जो कुछ भी परीक्षाएं आती है आपके जीवनों में, वहां पर परमेश्वर यीशु मसीह आपको देखता है। या परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जो कुछ भी सुना। I want to praise God for this morning। परमेश्वर हम सबको एनकरेज कर रहे हैं कि हम यीशु मसीह के जैसे बने, जैसा ब्रदर जॉर्ज ने एक्सप्लेन किया कि एक हीरे के समान जो प्रेशियस है। God is encouraging us to become like precious diamonds। और मैं देखता हूं कि लास्ट वीक में मैं कुछ पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि यीशु मसीह के पास उसके चेले आते हैं, उसको पूछते कि क्या पूछते, मत्ती 18 उसमें लिखा है, उसी घड़ी उसके चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज में कौन बड़ा है। लास्ट वीक आई वाज रीडिंग एंड आई वाज रीडिंग दिस पैसेज दैट द डिसिपल्स केम टू जीसस एंड आस्क्ड इन मैथ्यू चैप्टर 18 हु इज द ग्रेटेस्ट। और हम आगे देखते हैं कि यीशु मसीह ने उसने ये नहीं बोला कि तुम किसी के समान बनो, बट लेकिन वहां पर एक छोटे बच्चे को लिया और उसने खड़ा किया, बताया कि तुम अपना मन फिराओ और बच्चे के समान बनो। That time Jesus didn't say you become like someone else, but Jesus took a small child and set him in the midst of them and said that अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वो स्वर्ग राज में बड़ा होगा। And in Matthew 18:4, Jesus said, "Therefore, whoever humbles himself as this little child is the greatest in the kingdom of heaven." You know, मैं सोच रहा था कि यीशु मसीह compare नहीं किया कि तुम मोसेस के जैसे बनो या पीटर के जैसे बनो या तो और कोई जर्मिया अब्राहम किसी का compare नहीं किया, but छोटे से बच्चे को लिया उसने compare किया कि तुम इसके अपना मन फिराओ और इस बच्चे के समान बनो। Jesus didn't say become like Moses or Peter or like Abraham or any other person, but Jesus took a small child and said, "You repent and become like small children." Small child. हमारे thought में हम देखते हैं कि हम बहुत सारी चीजें हम compare करते हैं कि हम इससे अच्छे, इससे better है। Many times we compare with others and think we are better than them. थोड़ा सा मैं different हूँ इस भाई से। Maybe I'm a bit different from that brother. No, लेकिन हम अपने आप को हम देखेगा तो वो परमेश्वर भी बता रहे कि तुम अपना मन को फिराओ, इस बालक के समान बनो, मतलब बता रहे कि तुम छोटा बनो अपने आप को, और एहसास करो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, तुम एहसास करो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। Jesus was saying that you need to repent and repent like a little child and realize that we are nothing। और यही चीज है जो परमेश्वर का राज में सबसे बड़ा है और जो सबसे कीमती है। And this is a thing which is a big in God's kingdom, which is more precious in the kingdom of heaven. और मेरे प्रिय भाई, मेरे अंदर एक मैं यही चीज फॉलो करना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को दीन नम्र बनाए रखूँ। And dear brothers, this is what I want to follow in my life to keep myself humble. क्योंकि यही चीज है जो हम कभी कभी हम देखते कि धीरे धीरे हमारे अंदर प्राइड है, हमको पता भी नहीं चलता। This is the thing we need to be careful about because slowly, slowly pride creeps into our lives and we won't even realize it. मैं देखता हूँ कि यीशु मसीह के बारे में जब फिलिप चैप्टर 2:5 में लिखा है, having this attitude which is in Christ. And about Jesus, it says in Philippians chapter 2, have this attitude which is in Christ. जो यीशु मसीह का स्वभाव है उस तरह से तुम्हारा स्वभाव। And the attitude of Christ was this humble attitude. हम देखते हैं कि यीशु मसीह आगे लिखा है कि वो परमेश्वर होने पर भी अपने आप को शून्य किया, वो परमेश्वर होने पर भी अपने आप को जीरो किया, शून्य किया। We see in Jesus like that, although he was God, he always considered himself as nothing. और यही चीज मेरे को हमको फॉलो करना है कि हम परमेश्वर का राज में हम बड़ा बनना चाहते हो सकते हैं हम सोचते कि चर्च के अंदर हम थोड़ा ग्रेट बने, थोड़ा बड़ा बने, हमारा थॉट में हो सकता है। This is what we need to remember about God's kingdom. Maybe in church we may be doing something, but in God's kingdom we need to humble ourselves. और ये सभी के अंदर एक एडमिक नेचर है हमारे अंदर। And in each one of us, this is the nature of Adam. जब भी परमेश्वर हमको लाइट देता है हमारे जीवन के अंदर, हम उसको
पश्चाताप करकर मन फिराकर यीशु मसीह के जैसा लाइफ हम ईश्वर से ले सकते हैं। Whenever God shows us any life, we need to repent and humble ourselves and take that life which was in Christ Jesus into us. और मुझे परमेश्वर के राज में बहुत ही बहुमूल्य बनना चाहता हूँ मैं। And I want to humble myself in God's kingdom. परमेश्वर मैं परमेश्वर के सामने या परमेश्वर के लिए बहुमूल्य बनना चाहता हूँ। Sorry, I want to become precious in God's sight. जब हम दीन नम्र बनेंगे तभी हो सकता है। And when we humble ourselves, then we can become precious to God. God bless you. God bless you. कि हमने आज सुना उसके लिए। I want to thank God for whatever we've heard today. जैसे भाई ने कहा शुद्धिकरण के विषय में आज उन्होंने कहा। Like brother was telling about purification. और ये शुद्धिकरण परमेश्वर ही हमारा कर सकता है। And this purification, God only can do it in us. ये ऐसा नहीं कि मैं कुछ अच्छे काम करूं या मैं कुछ अपना प्रयास करूं और ताकि मुझे शुद्धिकरण मिले, ऐसा नहीं होता। And it cannot be like if I do some good work or if I try very hard, I can become pure. पुराने नियम में ऐसा लिखा है कि बकरे और भेलों का जो लहू पाप को ढापता था, लेकिन यीशु का लहू पाप को मिटा देता है। In the Old Testament it says that the blood of sheep and goats covers our sin, but in the New Testament the blood of Jesus washes away our sin. और ऐसे इब्रानी में हमने पढ़ा, जैसे बाइबल अध्ययन भी करते हैं हम लोग, कि यीशु के लहू एक ही बार बलिदान करके उसके लहू ने पूरी तरह से हमें पवित्र कर दिया है। And like we read in Hebrews that the blood of Christ was shed for one time and in completely it sanctified us. अभी और कोई बलिदान की जरूरत है ही नहीं। And there's no need for any further sacrifice. It was a perfect sacrifice. लेकिन परमेश्वर चाहता है ये पवित्रता हमारे जीवन में रहे, जैसे भाई ने कहा। And what God wants is that purity be in our lives. क्योंकि बाइबल कहता है कि ये वही परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र बने जैसा वो पवित्र है। Because the Bible teaches us that God's will is that we be holy just as He is holy. और इसीलिए उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है। And for this reason, God has given us the Holy Spirit. देखो, brothers and sisters, पवित्र आत्मा को लेके बहुत सारा deception दुनिया में चलता है। Brothers and sisters, there's a lot of deception concerning the Holy Spirit. अभी तक लोगों को पता ही नहीं कि पवित्र आत्मा actual में होता क्या है। Many people still don't know who is the Holy Spirit. किसी को पूछेंगे क्या तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है तो confused हो जाते हैं। If we ask right now, do you have the Holy Spirit in you, they'll be confused. क्योंकि बहुत सारे चर्च में ऐसा दिखाया जाता है कि पवित्र आत्मा का मतलब है चिल्लम चिल्ली करना, ताली बजाना, अभिषेक में अन्य भाषा बोलना, ऐसे लोग सोचते, और मैं भी ऐसा सोचता था। Because many people have this misconception that being filled with the Holy Spirit is shouting in different tongues. अन्य भाषा नहीं बात करते मतलब इसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं। Just because someone is speaking tongues doesn't mean he is filled with the Holy Spirit. अन्य भाषा अगर हम नहीं बोलते हैं तो कुछ पास्टर लोग कहते हैं इसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, इसलिए ऐसा है। And if we don't speak in the tongues, doesn't mean that maybe the pastor may say, oh, they don't have the Holy Spirit. हम कुछ प्रचार नहीं करते, हम कुछ काम नहीं करते, हम ऐसे मतलब हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, ऐसे लोग सोचते हैं। And if we're not preaching and we're not doing any great work, people may think we do not have the Holy Spirit. शैतान ने लोगों को घुमराह करके लगाया पवित्र आत्मा के विषय में। Because the devil has misled the people regarding the Holy Spirit. लोग क्या-क्या करते हैं brothers and sisters? कुछ लोग नीचे गिरते हैं, ताली बजाते, कुर्सी उठाते, बोलते पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में है। What all people do? They roll on the floor, they jump, and then they shout. They take the chest and they say, "This is the Holy Spirit." मैं आपको कोई कहानी नहीं बता रहा, आप देख सकते हो कोई कलिशा में जाकर सब जगह यही चलता है। I'm not telling some story. You can go and look in these churches. This is what happens. मैं भी ऐसे कलिशा से ही आया हूँ। I myself has यही करते हुए आया हूँ। I also did all these things. इसलिए तब मुझे पता चला कि पवित्र आत्मा हमें पवित्र करता है। And now I realize that the Holy Spirit makes us holy. जो आत्मा आपको हर दिन पवित्र नहीं करता है, वो एक deception का आत्मा है। And the spirit that doesn't make you holy is a spirit of deception. बाइबल कहता है कि आत्मा को परखो। The Bible teaches us that we need to test the spirit. क्या है परमेश्वर की ओर से है या नहीं? We need to test whether it is from God or not. इधर खड़ा रहके कोई प्रचार करने वाला हर कोई पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं होता brothers and sisters. Just because you're standing here and preaching doesn't mean that we are filled with the Holy Spirit. कोई कोई लोग अपने बुद्धि से प्रचार करते हैं। Some people speak from their mind. कोई कोई लोग अपने experience से प्रचार करते हैं। Some people speak with experience. लेकिन बाइबल का वचन कहता है तुम आत्मा को परखो। But the Bible teaches us that test the spirit. क्या वो आत्मा आपको दिन प्रतिदिन पवित्र करता है? Does that spirit make you holy day by day? हर दिन आपको शुद्ध करता है? Does it daily make you pure? अगर नहीं करता तो आपके अंदर कोई दूसरा आत्मा है।
And if it doesn't happen, that means you have a different spirit. यही पौलुस कहता है कि ये कौन सा आत्मा तुम लोग ने पाया है? That's what Paul is asking. What is this spirit that you have received? इसका प्रचार हमने तो नहीं किया था. We haven't taught this to you. ये कौन सा सुसमाचार तुम सुन रहे हो? इसका तो सुसमाचार का प्रचार हमने नहीं किया था. What is this gospel you have heard? This is the gospel that we haven't preached. Brothers and sisters, एक बात याद रखना, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, वो दिन प्रतिदिन आपको छोकन्ना करेगा, पवित्रता की ओर बढ़ाएगा. If brothers and sisters, if you have the Holy Spirit, that Holy Spirit will lead you towards holiness day by day. आप अन्य भाषा नहीं बोलते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो आपके अंदर का भाषा पूरी तरह से बदलेगा. आप किसी को गाली नहीं दोगे, किसी का बुरा व्यवहार नहीं करोगे, किसके पीठ पीछे नहीं बोलोगे. ये पवित्र आत्मा का कार्य होगा. The work of the Holy Spirit is that it will change your tongue. It will not let you speak angrily or speak bad words, and it will lead you towards holiness. Brothers and sisters, एक वचन आपको बताता हूँ. देखो, यीशु का लहू किसको शुद्ध करता है? Brothers and sisters, I want to share one verse. The blood of Jesus Christ cleanses whom? कई जगह ऐसा सिखाया जाता है कि एक बार आप पश्चाताप करो, एक बार प्रार्थना करो, यीशु के लहू से शुद्ध करो, जिंदगी भर का हो गया आपका. Sometimes we hear that for once, if you pray that ask Jesus to wash you with His blood, then that is done for life. एक बार magical प्रार्थना करो, यीशु तेरे लहू से मुझे शुद्ध कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर, बस हो गया, उसके बाद तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा. ऐसे सिखाते हैं. It's like they teach that you have to pray this magical prayer, Jesus wash me with your blood, cleanse all my sins. लेकिन प्रभु का वचन क्या सिखाता है, मैं आपको बताता हूँ. पहला यूहन्ना अध्याय 1:7. But what does God's word teach us? 1 John 1:7. यहाँ पर लिखा है, पर यदि वो ज्योति में है, वैसे तुम भी अगर ज्योति में चलो. If you walk in light just as he is in light. देखो, हमारा परमेश्वर ज्योति है. Our God is light. और वो कहता है अगर तुम भी ज्योति में चलते हो. So it says even if you also walk in light. तब तुम्हारा परमेश्वर के साथ एक सहभागिता होगा. Then you will have a partnership with God. और उधर लिखा है और यीशु का लहू तुम्हें शुद्ध करेगा. And then it says and the blood of Jesus Christ cleanses you. जब तक हमारा fellowship प्रभु के साथ नहीं है, ये लहू हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा. Until God's light is in us, the blood of Jesus can do nothing for us. जब तक हम उसके उजाले में नहीं चलेंगे, ये लहू हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा. Unless you walk in His light, the blood of Jesus can do nothing for us. हम बोलेंगे हम शुद्ध हो गए, फिर हम कैसे भी चले, नहीं चल पाएगा. We can't say okay, we are pure, so now we can do whatever we want. एक बार शुद्धिकरण हो गया, उसके बाद हम कैसे भी जिए, नहीं चलेगा. Once we are purified, now we can do whatever we want. That's not how it works. यहाँ क्या लिखा है, जैसा वो ज्योति में चलता है, वैसे तुमको ज्योति में चलना होगा. Here it says, just if you walk in light, just as He is in light, then only the blood of Jesus Christ cleanses us. तब तुम्हारा सहभागिता परमेश्वर के साथ है. Then you will have fellowship with Him. हमारा हम बोलेंगे क्या प्रभु के साथ तुम्हारा fellowship है? If you ask, do you have fellowship with हम God? बोलेंगे हाँ 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 है. Then we may say yeah. कुछ लोग confused हो जाएंगे. Some people may get confused. लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, तुम्हारा fellowship प्रभु के साथ कब है? But what does God teach us? When do we have fellowship with God? जब आप उसके रोशनी में चलते हो. When we walk in His light. रोशनी में चलने का अर्थ क्या होता है? What does it mean to walk in His light? जब कभी प्रभु आपको आपकी गलती दिखा देता है. That whenever God shows you your mistakes. तुरंत कहना कि प्रभु हाँ ये मेरी गलती है. We need to say yes, God, this is my mistake. मानो उसे और उसे repent कर लो. We need to acknowledge and we need to repent. तब आप ज्योति में रहोगे. Then we'll be in light. तुरंत आपको बोलेगा अरे तूने इसके बारे में गलत बोला. Immediately God will convict us and say you have done this wrong. जाओ उस व्यक्ति को बोलो मैंने आपको जो बोला मैंने गलत कहा. We need to go, then God will tell us to go and repent to that. प्रभु से क्षमा मांगो. We need to confess to God. और उसके लिए क्या है, और यीशु का लहू तुझे शुद्ध करेगा. And then says then the blood of Jesus Christ. हम अपने इच्छा से कैसे भी जिएंगे और बोलेंगे यीशु का लहू मुझे शुद्ध करेगा, we are in deception. If we live according to our life and we say that we are walking light, that is lie. बहुत जरूरी है ब्रदर्स एंड सिस्टर कि जैसा वो ज्योति में, हमें ज्योति में चलना है, तब हमारा फेलोशिप प्रभु के साथ होगा. It is very important that if we walk, we need to walk in light just as He is in light, then we have fellowship with God. और इसी के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया है. And for this reason, God has given us the Holy Spirit. ताकि हम सब उसके ज्योति में चले. So that all of us would walk in His light. और उसका लहू हमें हर अपराधों से शुद्ध करे. And then His blood will wash away from all us. प्रभु हम सबकी सहायता. May God help us. प्रभु बोझ एक गंभीर बात है कलीसिया के लिए. And the Lord's table is a very serious matter for the church. सिर्फ विश्वासी लोगों के लिए. And this is only for the believers.
नो प्रभु यीशु जिस रात वो पकड़वाया गया अपना चेलों के साथ, पहले कुरिंदी 1:23 में से लिखा है. एंड द नाइट जीसस वाज अरेस्टेड इट्स सेज अबाउट दैट इन 1 कुरिंथियंस चैप्टर 13. और इस मैथ्यू चैप्टर 26 और मार्क चैप्टर 14 में भी इसको बताया गया है. एंड मैथ्यू 26 एंड मार्क 14 आल्सो इट टॉक्स अबाउट दिस. मैं चाहता हूं फर्स्ट पहले कुरिंथियों चैप्टर 11 वर्स 23 से हम पढ़ेंगे. फर्स्ट कुरिंथियंस चैप्टर 11 वर्स 23 ऑनवर्ड्स विल रीड. क्योंकि यह बात मुझे तर्क से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने किस रात को पकड़वाया गया है. क्योंकि अपनी बात को फिर थोड़ी और कहा यह मेरी स्त्री है तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए देरी किया कर. इसी रीति से उसने प्याली के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बचा जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए देरी किया कर. सो ये जो पौलुस इस बात को हमें स्मरण दिलाता है कि यीशु ने जब जिस रात वो पकड़वाया गया सबसे पहले उसने अपने चेलों के साथ बैठकर एक रोटी लिया और उसने तोड़ा. सो पॉल इज रिमाइंडिंग अस दैट द नाइट दैट जीसस वाज टू बी अरेस्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैड द सपर विद हिज डिसिपल्स. ही टुक द ब्रेड एंड ही ब्रोक इट और कहा कि ये मेरा शरीर है. एंड ही सेड दैट दिस इज माय बॉडी और आप इसको खाओ. एंड ही सेड ईट इट टेक एंड ईट. आपको लगता है यीशु सामने बैठा है और कहता है कि आप इसको खाओ ये मेरा शरीर है. Can you imagine Jesus is sitting in front of them and he gives the bread and says this is my body take and eat. और उसने रोटी हाथ में है और बोलते ये मेरा शरीर है आप इसको खाओ. And he has the bread in his hand and he says this is my body take and eat. लेकिन वो शरीर के रूप में एक शारीरिक रूप में सामने खड़ा है और वो कहता है कि रोटी लेकर बोलते ये खाओ. Jesus was in their midst in bodily form and he gives the bread to them and says this is my body you take this and eat. Roti sharir ko darshata hai. The bread signifies Christ's body. John chapter 6:53 mein bahut sara bible mein aisa vachan se jo chihna words hai. In John chapter 6 we see many words which are as signs, as symbols. जैसे कि यीशु ने कहा कि मैं दरवाजा हूँ. Like Jesus said, I am the door. क्या यीशु दरवाजा है? Is Jesus actually a door? नहीं. No. एक दरवाजा वो है ये वो दरवाजा पर खड़ा है और जो कोई उस दरवाजा पर आएगा उसको पिता के पास लेके जाएगा. No, Jesus is not actually door, but Jesus is standing at the door, and whoever comes to that door, Jesus will take them to God. इधर जो रोटी लिया है वो शरीर नहीं है लेकिन उसकी जो शरीर है कुछ दिन के बाद क्रूस पर चढ़ाने वाले उसके चिन्ह है. Here the bread is not literally Jesus's body, but in some time Jesus was going to be crucified, and the bread signifies the crucified body of Christ. Verse 24 में लिखा है. Verse 24 it says. इसलिए करो मेरी स्मरण में किया करो. It says so do this in remembrance of me. People can you read brother? ये ध्यान रखो मेरी स्मरण के लिए किया करो. Please take note it says here do this in remembrance of me. और उसी तरह उसने एक प्याला लिया और कहा कि ये मेरा लहू का चिन्ह है. In the same way Jesus took the cup and said this is my blood this is a symbol of my blood. ये जो लहू प्याला में दिखाया है वो द्राक्ष रस है सिर्फ. But what was there in the cup was actually grape juice. असली लहू जो है उसके शरीर में अभी भी बह रहा है. But truly the blood of Jesus was still running in his veins. और चेलों के सामने वो जीवित है. And in front of the disciples he was alive. और वो कह रहे हैं कि कुछ दिन के बाद ये लहू आपके लिए बहाने जा रहा हूँ. So he was trying to tell the disciples that in a few days this blood will be shed for your sake. So roti ek sharir ke chihne hai aur draksha is uske lahu ke chihne hai. So the bread is a symbol of Christ's body and the wine is a symbol of his blood. Aur Yeshu ne kaha ki ye mere smaran mein kiya karo. And Jesus said do this in remembrance of me. Brothers and sisters, main ek bhai ko मेरे अपने जीवन में देखा हूँ. मेरे पिता की उम्र का था.
I have a brother who is almost the age of my father. कई सालों से उसको देखा हूँ कि वो मसीह था, विश्वासी था. कई सालों से वो प्रभु भोज में भाग लेता था. And I used to observe him that for many years, whenever he would partake in the Lord's Supper. Suddenly, एक दिन देखा कि कलिशिया में उसके बगल में मैं बैठा हूँ. वो प्रभु भोजन लेने के लिए आगे नहीं गया. And one day I was sitting next to him in church, and that day he didn't partake in the Lord's Supper. और बाकी सब लोग उठकर अपना भाग लेने के लिए गया उसमें. And all the others went and took part in the Lord's Supper. और आखिर में मैंने उस भाई को पूछा जो मेरे पिता की उम्र से बहुत अच्छा विश्वासी था वो. And in the end, I asked that brother who is almost my father's age, who is a good believer. आप क्यों नहीं उठा आज? Brother, why did you not get up? उसने जो जवाब दिया है आज भी मुझे स्मरण है. And the response he gave, it's still there in my mind. उसने मुझसे कहा. And he said to me. मेरे अंदर एक छोटी सी पाप है. He said, in me there's one small sin. मैं सोचा ये बताएगा पाप क्या है. मैं सोचा मैं और गलत बहुत बड़ा पाप सोच रहा था. शायद कुछ व्यभिचार किया होगा, चोरी किया होगा, नहीं तो कुछ पुण्य किया होगा. इस तरह से मैं सोच रहा था. लेकिन मैंने उनसे पूछा क्या पाप है. I was imagining in my mind must be some very grave sin. Maybe he committed adultery or he stole something or he did something really bad. So I asked him, what is that sin? और जो मैंने सोचा था उनमें से कोई भी उसने वो पाप नहीं किया. And the things that I was imagining about, it was not any of those things. उसने बोला कि मेरे अंदर प्रभु की मेज पे जाने के लिए छोटा सा चीज रुकावट डाल रहा है. And he said that inside me there was a small thing which was hindering me to partake in the table. तो मैंने उसको बहुत गंभीरता से लिया. अरे ये भाई प्रभु भोज के लिए इतना डिजायर था एक समय में, लेकिन आज एक छोटा सा पाप के कारण वो आगे नहीं जा रहा है. मैं सोचा कि प्रभु को ये कितना पसंदीद काम कर रहा है. And I thought, this brother who has a great desire always to partake in the Lord's Supper, for one small sin, he's not taking part. Maybe he has a great desire for God in him. Brothers and sisters, बहुत लोग आगे आते हैं प्रभु भोज लेने के लिए, लेकिन प्रभु उनसे खुश है. Brothers and sisters, many people come and take part in the Lord's Supper, but is God really happy with them? मैं सोचा कि इन सारी लोगों से प्रभु खुश नहीं रहेगा, लेकिन जो व्यक्ति वो अपने आप जगह पे बैठकर अपना पाप का पश्चाताप कर रहा है उससे प्रभु बहुत happy है. I think that maybe God is not happy with all the people who come and take part in the Lord's Supper, but with that brother who didn't take part and who was repenting of his sin. So प्रभु यीशु की एक गंभीर आज्ञा है ये है. So from from the Lord, we have a very serious warning. जानते हैं ये जो क्रूस पर चढ़ने वाला, लहू बहाने वाला, जो ताड़ना सहने वाला है, ये पिता को बहुत आसान था यीशु को जीवन में हटाने के लिए. एक क्रूस पर चढ़ने वाले है और खून बहाने वाला है और जो कुछ तकलीफ उठाने वाला है, ये पिता को बहुत आसान था यीशु को जीवन से में हटाने के लिए. Jesus was about to die on the cross. He was going to be killed on the cross. It was very easy for God to take him away from all of that. पिता को एक सेकंड की काम था वो. It would have been just God would need just a second to take Jesus away from all of that. लेकिन पिता ने क्यों उसको हटाया नहीं? But why didn't God take him away from that? पिता ने आपके लिए उद्धार का योजना है वो सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा है. And because the God's plan of salvation for you and me was only through the dying of Jesus. यानी यीशु को उस परिस्थिति से हटा जाना मतलब पिता को आपके हाथ अपने आप को छोड़ देना है. So to remove Jesus from that situation would mean God abandoning you. यानी आपकी दशा में पिता अपने आप को छोड़ देना मतलब है ये. That means God would have to leave you to your situation. यानी पिता ने अपने जो हमारे लिए जो उद्धार का योजना बनाया है उससे वो पीछे हट जा रहा है, इसका मतलब है. It would mean that the plan that God has for salvation, God was stepping away from that plan. इसलिए यीशु कहता है कि पिता पिता ये सब कुछ आपको संभव है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे से ये कटोरा हटा दिया जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए. So Jesus prayed that God, it is easy for you to take me away, but and I can't take this cup,
but not my will but your will be done. So आखिरी घड़ी तक यीशु ने यही यही इच्छा रखा कि मेरी इच्छा नहीं, उसके शरीर चाहती है कि अपनी इच्छा करे, लेकिन वो चाहता है कि पिता की इच्छा उनका जीवन में पूर्ण हो जाए. Jesus in his body was didn't it was not his body's will to go through this, but he said no, not my will but your will be done. So 1 Corinthians 11:27 से उसने किस तरह इसमें भाग लेना है और किस तरह नहीं लेना है वो भी लिखा गया है. In 1 Corinthians 11:27 onwards, it says how we have to take part in the supper in the Lord's table and how we are not supposed to take part in the Lord's table. So, यीशु ने कुछ इस गंभीरता से कहा कि अनुचित रीति से उसको लिया हुआ है, तो आप अपने आप को जांच लो इसको. So here it warns us that if we are taking it in an unworthy manner, we need to introspect. We need to look within ourselves. Brothers and sisters, अगर मार्केट से कोई वॉशिंग मशीन या माइक्रोवेव कुछ लेते हैं, उसके साथ एक मैनुअल दिया जाता है, मतलब कुछ करना है कुछ नहीं करना है. So brothers and sisters, whenever we buy a washing machine or any gadget, we get a manual along with it telling us what we are supposed to do and what we are not supposed to do. आप मैनुअल पढ़े बिना ऑपरेट कर भी सकते हैं. You can operate it without reading the manual also. बाद में आप पछताएंगे जरूर. But afterwards you will regret it. आप मैनुअल पढ़ के करेंगे. But if you read the manual and then do it. और जिस तरह मैनुअल कहती है. And if you do it according to the manual. आप पछताएंगे नहीं. Then there'll be no problem. There'll be no regrets. मैं आपको कहता हूँ आप प्रभु बोझ उसी तरह से लेना है जिस तरह प्रभु यीशु ने गंभीरता से कहा है. I want to tell you that you need to take part in the Lord's Supper just the way it says here with seriousness. और एक गंभीर बात है, 29 में लिखा है कि जो कोई अनुचित रीति से इसमें भाग नहीं लेते उनके लिए लिखा गया है. And it says here about those people who take part in this in an unworthy manner. आगे और याद रखो, अपने आप को अगर जांच लिया हो तो हम दंड का दिन यानी न्याय का दिन हम उससे हम हट जाएंगे प्रभु की दंड से. Here it says that if we judge ourselves, then on the day of judgment we will not be judged. So brothers and sisters, हम इस समय 30 seconds मांग बंद करेंगे. Brothers and sisters, for 30 seconds we'll just close our eyes. मैं चाहता हूँ जो कोई जूम में है वो लोग भी इस तैयारी किया होगा. And whoever is prepared for this, for the Lord's table. या जूम में जो कोई भी शामिल है वो लोग भी तैयारी किया होगा इस प्रभु भोज का. Whoever wants to partake in this has to be prepared for this. So हम लोग एक 30 second आंख बंद करेंगे और हम प्रार्थना में समय बिताएंगे. For the next 30 seconds, we will close our eyes and we'll spend time in prayer.